गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को आवाज आ रही है सर की? नहीं आ रही मैम। जी मैम। जोशी सर प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कोई कुछ अपना शेयर करना चाहता है या कुछ बताना चाहता हो तो बताए। मुझे लगता है सर का नेटवर्क इश्यू है। मंदाकिनी मैम नमस्ते। कुछ मैम बताना चाहें बताएं प्लीज। क्या बताऊं, अभी तो ऐसा कोई मैंने कुछ केस नहीं, अनुभव देखा शेयर नहीं। करिए। अभी तो मैम मतलब ऐसा सारे पुराने केस ही चल रहे हैं मैम, अभी कोई नया नहीं आया है मेरे पास। लोगों से पूछते ना मैम, जी मैम। और लोगों से पूछते हैं। आदित्य झा सर आप बताइए, आपका कोई केस है तो आप ही बताइए। मैम हाँ जी मैम, प्लीज आप पूछो सबसे। जी आदित्य झा सर, सत्य प्रकाश सर, आप लोगों तक आवाज जा रही है क्या? मैम जी मैम, आवाज आ मुझे तो रही है। पूरी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ सर प्लीज बोले। हाँ सर, सहयोग करें हम लोगों का, बताइए सर कुछ पूछिए। मैम आज हमने एक प्रोबिंग किया है, उसका वीडियो भी बनाया है जी फिस्टुला का, जी सर। लेकिन उसमें थोड़ा सा जेनाइटल पार्ट एक्सपोज्ड है। आप लोग चाहें तो हम सब शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। अच्छा, हाँ जी सर, ग्रुप में शेयर कीजिए सर। इसीलिए हमने नहीं शेयर किया। अब आप लोग के इजाजत है तो कर देता हूँ। नहीं नहीं सर करिए, ये तो ज्ञानवर्धक चीजें हैं और जी हर किसी को जी कभी ना कभी तो सब देखना ही है, तो जी जी फिर भी जी करना मैम, पड़ेगा। जी मैं सर अभी सर डाल रहा हूँ, फिर उसके बारे में बताऊंगा जैसे आप लोग पूछेंगे। जी सर ठीक है। और किसी को शेयर करना है? राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार सर आप आ गए हैं, आपको कोई केस शेयर करना है? हरिहर सर नमस्कार मैम। नमस्कार। शेयर सर कुछ बताइए सर, कोई केस हम लोगों को कुछ शेयर कीजिए। हाँ पांच पांच मिनट में मैं जवाब देता हूँ, पेशेंट जी सर, डेफिनेटली ले लीजिए 5 मिनट। है तो देख। जी सर डॉक्टर महेश कुमार प्रजापति सर अपने बारे में कुछ बताएंगे सर प्लीज थोड़ा सा। अब यह तो बोला इतना बारे बारे से आज इतना दुख क्या होगा हाँ जी डॉक्टर महेश जी। यार। जी मैम नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर। सर बताइए सर, आप अपने आप को जी इंट्रोड्यूस। मैम, डॉक्टर महेश प्रजापति मैम, BMS है 2010 बैच से मैम। जी सर। अभी मैम अभी स्टार्ट किए मैम अच्छा प्रैक्टिस, ओके। अभी 2010 कोई की एंट्री है कि 2010 के पास आउट हैं आप? अच्छा 2016 में पास आउट है मैम, 2016 में पास आउट हैं सर। कहाँ से किया है आपने? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैम। ओके गुड, वहां से तो हम भी पढ़े हैं सर। ओके जी तो मैम। 2016 के बाद फिर एमडी की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैम सर कर मैम डालो। हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के एलोपैथ। अच्छा तो जी मैम। सर आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो कि एलोपैथ करते हो? नहीं मैम SRF है मैम फिलहाल, अच्छा मिक्स है। SRF मैम, RARI पटना में SRF है। जी नहीं, जो आप ट्रीटमेंट करते हो वो आप मिक्स मैम हाँ करते मिक्स हो? है, मिक्स। हाँ वही मैंने कहा ना कि सारा करते हो। SRF जी मैम। पटना तो बेटर है, बढ़िया है। तो जी मैम। बेसिकली डॉक्टर साहब आप पटना को बिलोंग करते हैं? नहीं, हम यूपी के ही बिलोंग होते हैं, यूपी जौनपुर, में कहाँ से सर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा जौनपुर में कहाँ से हैं? जौनपुर में मैम चंदवक है, किराकत। अच्छा किराकत। ओके किराकत
क्योंकि फादर साइड से मैं भी बैक में बिलोंग करती हूँ जौनपुर को, इसलिए मैंने पूछा। ओके मैम, ओके, तो सर आयुर्वेद में क्या क्या करते हो, मतलब किस किस डिसीज में आप आयुर्वेद ट्राई करते हो, या कहाँ कहाँ पर आपने आयुर्वेद ट्राई किया है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं? क्योंकि आयुष दर्पण से आप तभी जुड़े होगे ना कि अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर इम्प्रूव फर्निश करने के करके। लिए मैम, जी मैम इम्प्रूव करने के लिए जुड़े हैं। हाँ वो तो है, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपने आयुर्वेद किया कि लगा कि नहीं वाकई आयुर्वेद में है, क्योंकि पढ़ते वक्त तो कई बार, हम लोग तो बहुत पहले के हैं तो पढ़ते वक्त कई बार फील होता था कि नहीं, या लोग इस तरीके से माइंड वॉश करते थे कि जैसे गायनी खास कर होता है फीमेल का शौक, होता था नहीं जी एलोपैथी में सब कुछ है, आज पता चलता है नहीं जी आयुर्वेद में ही गायनी में सब कुछ है। तो ये चीज माइंड सेटअप हालांकि बहुत बदल भी चुका है हमारे आपके टाइम से, आप 2016 के पास जी आउट है, मैं 2016 हूँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ सर कहाँ कहाँ ट्राई किया थोड़ा बहुत और कहाँ फिर। मैम, बस ओके मैम संदिग्धवाद पे ट्राई किए मैम, और नहीं जी गुड, तो संदिग्धवाद में कुछ उलझन हुई कि ये बड़े आराम से ट्रीट कर लिया? नहीं मैम, हाँ जी सर, निसंकोच बताइए, देखिए ऐसा कुछ नहीं, जब शुरुआत में इंसान प्रैक्टिस करने आता है आयुर्वेद की तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, बहुत सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड बुक्स में पढ़ता है और ट्राई जी करता मैम, है, फिर बाद में समझ में आता है तो उस फॉर्मूले से फिर थोड़ा सा आगे निकलता है ना? तो जी मैम, सर आयुष दर्पण कब से सुन रहे हैं? बीच में सुन रहे थे लेकिन बंद कर दिए थे, पीजी का पेपर था इसलिए। अच्छा, पीजी का पेपर कैसा गया सर, मैम नहीं, खास नहीं गया है, कितना% किए हैं? 40% मैम। क्यों डॉक्टर साहब, कितना दिन पढ़ा था? जी अरे शर्माइए नहीं, हमने भी दिया था इसलिए पूछ रहे हैं, कभी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। 40% मैम, अगर आया है वही मतलब मतलब तो कितने दिन पढ़े थे, क्या आइडिया था? मैम एमओ का पेपर दिए थे, उसके बाद नहीं पढ़े थे जी। कोई बात नहीं सर, देखो आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर आधा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, खास करके ओके प्राइवेट चीजों में तो और भी टाइम लगता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है मैम, उसमें संकोच नहीं करते हैं। वो तो हमने इसलिए पूछ लिया कि हमने भी इस बार ट्राई किया था तो मेरे को था उम्मीद कि हाँ हो जाएगा जितना। ठीक मैम आयुष बत्रा सर आ गए हैं, आज आज का उनका पाइल्स पे था। मैम। अच्छा हाँ हाँ सर का था, चलो सर कल हाँ आपसे फिर आगे डिटेल बात करेंगे, हरीश बत्रा सर आज हम लोग को पढ़ाएंगे, हम ओके की मैम, क्लास थैंक यू लेंगे। मैम। प्रणाम जी सर, हरीश मैम, बत्रा सर, प्रणाम सर, बत्रा सर को भी ज्वाइन नहीं किया। हेलो, हाँ जी सर, प्रणाम सर। शक्ति मैम को नमस्कार, सबको नमस्कार। सर क्लास हाँ सर, आप प्रणाम अपनी सर। क्लास कंटिन्यू करिए, आपके स्टूडेंट सब तैयार हैं। मैम आज तो ना मैं ऑन द वे हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ, रास्ते में मैं शताब्दी में हूँ, या तो कल ओके, सुबह कोई का रख लो, या फिर अब ना ढंग से करा नहीं पाऊंगा, और वो बात नहीं सर, बहुत अच्छा से करा दूंगा, मतलब कोई डाउट रहने नहीं दूंगा इसमें मैं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं सर, हमें नहीं पता था, ये हमें मालूम था कि आप हो मतलब आराम से, सो कोई बात नहीं, जब कल आपको। संडे है ना, कल संडे 2 घंटे की वहां ओपीडी है खाली, बस। तो मैंने कहा चलो घर आ जाते हैं, हम मंडे को फिर सुबह 6 बजे निकलना है, तो कल का लेना हो कल का ले लो, जब जोशी सर का कल लेक्चर हो उस टाइम लेना हो जब ले लो, कल शाम को लेना हो शाम को ले लेना, ये तो जोशी सर जैसे भी डिसाइड आपको करेंगे, लगे। हाँ ये जोशी सर डिसाइड करेंगे, जोशी सर ही जी बता हाँ जी, पाएंगे, कोई बात नहीं सर। तो कोई नहीं, कल शाम को ले लेते हैं, तो क्या हो गया, शाम हाँ जी हाँ जी सर, को मैं प्रॉपर से डायग्राम, अब ऐसे मैं ट्रेन में हूं ना, तो डायग्राम बना के ना नहीं, बता कोई पाऊंगा ना बात कुछ बता नहीं है, पाऊंगा। ट्रेन में कई बार नेटवर्क भी कटता है, कई बार आप तेज आवाज में बोलते हैं तो जो साथी पैसेंजर होते हैं उनको भी तकलीफ होती है, होता बस है ना? हाँ थोड़ा सा वो माइनस है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, वो शताब्दी वाले बाकी आज थोड़ा सा पूरी एलर्ट तरह शो से करते हैं अपने आप पर। पिछुला पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से। जी नहीं सर, हमें पूरा सीखना है, हम तो आपसे इतना सीखेंगे, आप ये समझ लो कि गुरु हो और हम बच्चे, हमें कुछ नहीं आता है और हमें क्यों पढ़ा बात दोगे, करी, ये ऐसे मत डायग्नोसिस कहो, परफेक्ट ऐसे मत करनी कहो। हाँ चाहिए मेरी, जी मतलब आप ऐसा पढ़ा दो कि डायग्नोसिस मेरी मतलब बिल्कुल पक्की बने, क्योंकि डायग्नोसिस हो डायग्नोसिस, जाने में तो तीनों के ट्रीटमेंट कर तीनों लेते हैं, चीजों में डायग्नोसिस परफेक्ट हो भी। जाएगा, तीनों के तीनों चीजों में, मतलब कोई उंगली नहीं उठा पाएगा किसी तरह से डायग्नोस में, तो बहुत हाँ सर, बस वही अच्छा चीज हमें से, तो। बहुत अच्छा से कराया हुआ उन्होंने, बहुत बढ़िया से। वो तो करेंगे सर, आपने बताया इतना बढ़िया, तो वाकई बाद में ना ये ज्वाइन करेंगे,
लेकिन जब हमारे पास एक गुरु है तो फिर उनसे भी हम मार्गदर्शन लेंगे ही। आपने जोशी जी है ना, हम तो शिष्य है, हम कहाँ से गुरु बन गए, हम बनना भी नहीं चाहते है ना। नहीं सर देखो, ज्ञान का मतलब देखो, ज्ञान का होता है जब तक आप बांटते हो तभी ज्ञान बढ़ता भी है, और जितना भी जिसको आता है, कई बार होता है कि कुछ चीजें हम पढ़ा पाते हैं, सर तो है ही, सर का तो अपना एक अनुभव संघ बहुत बड़ा है, तो सर के पास जब टाइम लेंगे, क्योंकि सर जब हम लोग की क्लासेस लेते थे, उन सर से मैंने नाड़ी मर्म पंचकर्म की क्लासेस ली थी, तो सर ने उसी कहा था कि चार सूत्र हम पढ़ाएंगे, पर इत्तेफाकन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बाद सर कुछ बिजी हैं अभी, तो सर को मैंने कहा हुआ था उसी होता, और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो सर जब शुरू करेंगे तो करेंगे, लेकिन तब तक तो सर आपसे थोड़ा बहुत सीखें, क्योंकि कई बार होता है ना डायग्नोसिस बनाते हैं लेकिन लगता नहीं, थोड़ा सा कुछ डाउट है, या कई बार ऐसा भी होता है किसी दूसरे अपने दोस्तों को भेजते हैं, बताओ भाई एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, डाउट में डायलेमा वाला जो कंडीशन रहता है, तो वो चीजें नहीं रहे, है ना सर। इस वजह से करें कि आपने अच्छे से सीखा है, जितना मेरे को आता है ना मैं बहुत अच्छा से बता दूंगा जितना मेरे को आता है। जी सर, थैंक यू सर, जैसा सीखा है वो कल आपको बता दिया सर, जितना मेरे को आता है। भद्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, बताने का तरीका आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस के साथ सब बताते हैं, मजा आ गया कल तो, मैंने सुनता ही रहा था। कॉन्फिडेंस से सिखाया है, बहुत कॉन्फिडेंस से सिखाया है। हाँ नहीं, बहुत मजा आता था सीखने में, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो फिस्टुला देखेंगे ना तो बहुत अच्छा से लगेगा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंसली उन्होंने पढ़ाया है, बहुत अटक नहीं सकते हैं कहीं पे भी। तो मैं शशिमम 24 से ना मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना। हेलो, 24 से स्टार्ट कर रहे हैं? ओके, हाँ मेरे तो 24 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी कोई हर तरह की जो भी मेरे यहाँ क्लासेस होगा मैं वीडियो डालूंगा। ओके ओके गुड सर, एक साथ जब ज्यादा केसेस होंगे तब बुला लेना, हम भी थोड़ा सा देखेंगे। आपका अपना सेंटर है ना। हाँ बात तो ठीक है, पर होता है ना कि अगर दिल्ली अप डाउन करके आ रहे हो तो अच्छे खासे पेशेंट हो, जैसे हमने जहाँ सीखा था, मैंने आपको बताया तो 2014 में ही हमने काफी पैसे खर्चा किए थे, मतलब 15,000 दिया था मैंने 5 दिन के, मुश्किल या 7-4 दिन के दिए थे, और एक भी पेशेंट पर करने को मौका नहीं मिला था, सिर्फ खड़े होकर देखते रहे थे, तो इस वजह से कह रहे हैं। तो आप पीआर करवाते हैं ना, इतना करवाते हैं जितना आप कर सकते हो। हाँ तो भाई, क्योंकि देखिए पीआर के बगैर आइडिया ही नहीं रहेगा ना, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं लेडीज में बोलते हैं कि भाई पीबी करने से बहुत कुछ रूल आउट हो जाता है, तो वैसे पीआर जब करोगे तो रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनोरेक्टल केसेस में अल्ट्रासाउंड में उतनी बढ़िया डायग्नोसिस बन पाती है जितना आप पीआर करके समझ सकते हो। डिजिटली तो सारा कुछ ही है, वो एमआरआई से ही ऊपर है, अगर डिजिटल प्रॉपर से किया जाए ना तो एमआरआई से ही ऊपर है। हाँ क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी जो मेरी पेशेंट थी जो फंसी हुई थी, मतलब कि काफी फंसी, क्यों मतलब कि पूरी तरीके से सर उसकी अग्नि मंद है, बिल्कुल ही मर चुकी है अग्नि, मतलब उस बंदी को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और काफी टाइम से इस तरह का 30 इयर्स का है, और इधर 5-6 महीने से बहुत बुरी तरीके से है, तो जब अग्नि, क्योंकि शांति अग्नो मृत्ये वर्ड होता है, सीधी सी बात है, अग्नि मर गई तो इंसान भी समझो इस तरीके से हो जाता है, तो उस केस में मैंने भेजा, मैंने कहा पहले एक बार टीबीएस अल्ट्रासाउंड तो करा लो, तो उन्होंने पता नहीं क्या सेंटर वालों ने, डायग्नोस्टिक वालों ने उसको कर दिया कि क्या अल्ट्रासाउंड कराने भेजा है, ये तो पेट स्कैन होना है। अब भाई बहुत गरीब है पेशेंट, जिसको मैं फीस भी लेने के बारे में 4 बार सोचना है, अब उसको पहले जो सस्ती चीजें हैं उनसे काम अगर निकल सकता है तो ठीक है, बाद में तो कराएंगे, क्योंकि फिर पता किया तो पेट स्कैन का हुआ कि गवर्नमेंट में 3,000 है, 2,500 या ज्यादा इस तरीके से है, और प्राइवेट में 12-15 हजार के नीचे बात ही नहीं करते हैं, तो जो पेशेंट 12-1500 नहीं अफोर्ड कर सकता है उसके लिए और मुश्किल सी चीज हो जाती है, तो मेरा कहने का मतलब है, और मुझे पीवी में जो फाइंडिंग नजर आ रही थी उस हिसाब से मैंने भेजा था, तो उसी वजह उसी तरीके से मुझे लगता है एनोरेक्टल में होता है कि पीआर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, कई बार आप पाइल्स वगैरह के केसेस में मैंने अल्ट्रासाउंड कराकर देखा है पेशेंट का, कुछ भी नहीं आता, मतलब वो एक सिंगल लाइन नहीं लिखते हैं, सबसे बड़ी सरप्राइज मैं ये रहती हूँ, और पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, 25-30 सालों से है, बोल रहा मुझे पाइल्स है, फिसर है, ये है वो है, तो पता नहीं क्या है उसमें, कितनी फाइंडिंग होती है, उतना मुझे अल्ट्रासाउंड करना भी नहीं आता सिर्फ बेबी के अलावा और चीजों में, तो ये चीजें फंसती, इसलिए सर आपसे सीखेंगे जरूर। थैंक यू सर। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं सर, बताएं प्लीज।
अभी तो कुछ बताने के वाले चीज तो नहीं है, क्या बताएं आप बोलो। सर आपके पास तो था अनुभव है, अपना कुछ भी अनुभव शेयर करिए। जैसे उस दिन आपने कुछ कुछ बताया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मेरी आदत है कि अभी इधर थोड़ा मेरा टाइट शेड्यूल है, नहीं तो फिर मैं फिर से फेसबुक पर चीजों को सुनती हूँ और फिर तब राइट डाउन भी करती हूँ बहुत सारी चीजें। जी अभी तो हमारा काम टेबल वर्क चलता है, कहीं वो बार बार का डिलीवरी का तो सब बंद कर दिया 5 साल से। वो 5 साल में ज्यादा सीखने को मिला था, वो अपने आप से ही सीखा था, किसी को सिखाया तो नहीं था। हाँ आपके टाइम में तो काफी लोग अपने आप से ही सीखते थे, आयुर्वेद वाले तो बहुत उस जमाने में भी बहुत स्ट्रगल करते थे, आपका जमाने में तो काफी ज्यादा होता। अभी तो एटलीस्ट है आयुर्वेद के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिसके थ्रू आप आसानी से सीख सकते हो, और लॉकडाउन का एक अच्छा एक साइड इफेक्ट हुआ कि ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो गई हैं, वरना हर चीज के लिए भाग भाग कर जाना पड़ता था, क्योंकि मैंने बहुत चक्कर काटे हैं दिल्ली में, खास करके जितने ऑफलाइन सेशंस होते थे कहीं से पता चलता था कुछ भी तो मैं भाग भाग कर दिल्ली जाती थी, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ ऑनलाइन का एक फायदा है। ये तो बराबर है जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा सर कुछ बताएंगे जो फिसर क्रिस्टुला पाइल्स वगैरह की बातचीत चल रही है। वर्मा सर मैं खाना खा लूं तो बात करता हूं। हाँ जी सर जी डॉक्टर मंगला मैम नमस्ते मैम, कुछ शेयर करेंगे कुछ बताएंगे कोई अनुभव कोई सक्सेस स्टोरी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, प्लीज कुछ बताएं। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। थायरोइडिज्म में प्रोप्राइटरी में क्या दे सकते हैं? T3 बढ़ा हुआ है तो नॉर्मली तो उसमें आरोग्य वर्धन और कांचनार ही मैंने ज्यादा चलाया है। एक मिनट मैम, मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है, मैं आपको ओके मंदाकिनी मैम तब तक आप सेशन देखो। मैम उसकी उसकी भूख वगैरह कैसी है मरीज की? भूख कम है मैम और वेट लॉस भी ज्यादा हो गया है। पतली होगी ना वो तो मरीज? हाँ हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा है और वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया है सडन। और बताइए और कुछ उसके जो आपने क्या क्या सिम्टम देखे हैं वो बताइए। बाकी उसके हाथ पैर कांपते हैं ज्यादा। अच्छा और इसमें और क्या क्या आपको मिला, मतलब ये मतलब कैसे आई है पेशेंट आपके पास? डायरेक्ट आपके पास रिपोर्ट लेकर के आई है या क्या? और क्या तो प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं वो हमारी ये है क्या बोलते हैं उसको पार्ट टाइम अटेंडेंट है तो अभी ज्वाइन हो गई हूँ वहां पर, मेरे ट्रांसफर हो गई है, तो वो बोल रही थी कि मेरा सडन ये महीने में 10 kg वेट लॉस हुआ है और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा है, हाथ पैर कांपते हैं ऐसा बोल रही थी। तो मैं फिर मैंने सब ये किया इन्वेस्टिगेशन। हाँ, हाँ तो उसमें T3 T4 बड़ा हुआ है। अच्छा हाँ बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है मैम। अच्छा तो उसको क्या कहते हैं कि मैम मोशन वगैरह ठीक हो रहा है? हाँ मैम। और क्या कहते हैं हाथ पांव कांपते नहीं बता रही है? भूख उसकी बड़ी होगी मैम ज्यादा ऐसे कौन? हाँ एक मिनट हेलो कहीं सिंह सर बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हरिहर सर। हरिहर सर आप बोल रहे हैं क्या? नहीं मैम नहीं बोला। अच्छा उनका चालू है शायद। अच्छा तो मैम उसमें भूख भूख ज्यादा बढ़ी तो नहीं है? ज्यादा उसका तो नहीं बोला मैम उसने। और गले में आपने चेक कर लिया ना कोई ऐसा कुछ गोइटर वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा ठीक है मैम। तो फिर आपने क्या चलाया है दीपन पाचन? अभी तो कुछ भी नहीं चलाया है, अभी आज ही रिपोर्ट लेके आई थी वो। अभी कल से दे दूंगी उसको मैं। इसका आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह ग्लूकोज शुगर वगैरह चेक कराया था क्या? शुगर वगैरह सब नॉर्मल है मैम उसका। अच्छा और बीपी उनका मैम? हाँ बीपी थोड़ा कम है।
अच्छा हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी शायद, क्योंकि अभी ऐसे घबराहट घबराहट हो रही है तो, हाँ हाँ है ना। तो मैम इसमें क्या है, हमें हमें तीनों पे काम करना होगा, कफ और हाँ। पित्त और इस पे अग्नि को भी पहले हमें नॉर्मलसी में लेकर के आना होगा। तो सबसे पहले हाँ आपको ना अग्नि पर ही काम करना होगा, फिर उसके बाद ओके आपको, हाँ उसके बाद आपको ब्रह्मणी चिकित्सा देनी होगी। तो उसमें आप शतावरी है, यष्टि मधु है, विदार्य आदि कषाय वगैरह ये सारा हाँ कुछ उसमें यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद इसमें आप ये देख लीजिएगा कि उसका फिर चेक करा लीजिएगा 15 दिन बाद, क्योंकि वो हाँ एक्चुअली वर्कर है तो उसको टेंशन वगैरह भी होगी मैम, है ना। हाँ उसको टेंशन है मैम। हाँ तो टेंशन है तो थोड़ा सा मांस पे भी काम करिएगा, और उसके हाँ साथ में उनको थोड़ा सा आप ऐसे प्राणायाम बताइएगा उनको, अनुलोम विलोम करेंगी वो। एज क्या बताई मैम ओके, आपने? एज होंगी उसकी 40। 40 है। और ब्लड प्रेशर नहीं है ना? नहीं, हाँ तो अगर वो कुंभक लगा सकती है तो अनुलोम विलोम करेंगी, और हाँ शीतली प्राणायाम, जलन वगैरह है क्या उनको? हाँ जलन है मैम। हाँ तो शीतली प्राणायाम बता दीजिए उनको, शीतली शीतकारी। और ऐसे जो पोस्चर जो हमारे फ्लो जिसका ब्लड का सीधे मतलब नेक की तरफ जाए, जैसे आप नेक मूवमेंट बता सकते हो उनको ना, और उनको हाँ जालंधर बंद, भुजंग आसन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सिंह मुद्रा, है ना, और ये उज्जयी प्राणायाम, हाँ हाँ उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन जरूर बताइएगा, क्योंकि उसकी जो है अग्नि वीक है। तो ये धीरे धीरे आसन एक 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 ऐड करते जाइएगा, तो इससे उनका हाँ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसमें अभी ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर हाइपरथायरॉयडिज्म में भस्मक अग्नि होती है मैम, ना पेशेंट को भूख बहुत लगती है लेकिन वो पतला होता है। आपके केस में भूख तो लगी नहीं रही इसको, तो थोड़ा हाँ कितना मैम कितना बताया था आपने, T3? T3 अभी देखती मैं, बड़ा हुआ है कितना पॉइंट बढ़ा एक, होगा फिर भी लमसम आपके हिसाब से? बताती मैम 1 मिनट। T3 है मैम 3.29, अच्छा T3 3.29, तो ज्यादा नहीं है मैम अभी ना। और T4 है 30.21, 30 पॉइंट नहीं, 30 है ना, 30.21। हाँ T4 हाँ, 0.3, नहीं, T4 हाँ थर्टी अच्छा थ्री जीरो 30, हाँ तो ये तो ठीक है बस। और T3 बताया आपने कितना? T3 है 3.29। तो 3.29 ज्यादा नहीं है अभी मैम, स्टार्टिंग है, तो ग्रहणी दृष्टि पे ही काम करेंगे अपन लोग, है ना, ग्रहणी दृष्टि पे ओके काम करेंगे, दिनचर्या सुधारेंगे, तो ये हाँ कवर हो जाएगी, बस ब्रह्मणी चिकित्सा देंगे हम इसमें अभी ओके स्टार्टिंग में। ज्यादा इसके लिए ना अटेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो आपको सिम्टम मिल रहे हैं जैसे पित्त से रिलेटेड, तो उसमें आप बक्षर आदि वगैरह, पिपली चूर्ण है, गुरुची चूर्ण है, आंवला की चूर्ण है ना, ये सब आप चला हाँ सकते हो इसमें। और ऐसे कमजोरी वगैरह लगेगी तो शिलाजंतु वगैरह भी आप चला लीजिएगा। अपना जो रसायन चूर्ण है ना, हाँ गिलोय था, गिलोय होता है उसमें शायद गोक्षुर और एक और कुछ होता है, वो चला सकते हैं आप। हाँ गिलोय हाँ गोक्षुर आमल की है उसमें, सॉरी हाँ हाँ गिलोय गोक्षुर आमल की है। गोक्षुर अभी हम लोग सिंपल ऐसे करेंगे ना मैम तो उसका ठीक हो जाएगा वो, अभी इतना ऐसा नहीं, अग्नि की ग्रहणी दृष्टि की वजह से ऐसा है, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक अपने आपके मरीज में सोचे समझा है, ठीक है मैम। अच्छा। बाकी आप हमें बताइएगा फिर, है ना। अब प्रोप्राइटरी में क्या दे सकते हैं? किस चीज में प्रोप्राइटरी देना चाहते हो, हाँ किस डिसीज में प्रोप्राइटरी देना चाहते हो? 83 बड़ा हुआ है ना मैम, टी आप थ्री उनका टी मैम फोर पतंजलि वालों का जो आता है ना थायरोग्रिड वगैरह, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स देख लेना, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स में लेखनी द्रव्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि अच्छा आपके अच्छा पेशेंट तो खुद ही इतनी कमजोर है, तो हमें यहाँ ब्रह्मणीय मेल मेन करना है। तो हाँ इसमें बराबर है आपको ज्यादा रहेगा शतावरी है, अश्वगंधा है, मंजिष्ठा है, किरात तिक्त है, गिलोय है ना, ऐसे वाले आप प्रोप्रेटरी ऐड कर सकते हैं आप। ओके 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 मैम सर वाला मैम फॉर्मूला दे दो ना, गुड़ची हाइपर, पुलरना।
हाइपरथायरॉइडिज्म का मुझे नहीं पता सर का वाला फार्मूला। नहीं नहीं जो हाइपरथायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं है, अगर ऐसे देख लो तो पहले तो अग्नि दृष्टि देख लो, मतलब ग्रहणी दृष्टि देख लो मैम। और हाँ। इसमें योगा बहुत बढ़िया काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता। भुजंगासन तो इंसान बड़े आराम से कर सकता है, या नेक के जितने भी आसन होते हैं ना, और जो सर ने मर्म वाले बताए हुए हैं, हाँ, फुलाना पिचकाना और टंग निकालना, तो 15 बार सुबह कम से कम करें, 15 बार शाम को करें। साथ में यहाँ पर आसपास में हल्का हल्का हाथ से मसाज करें, बहुत हल्का हल्का, जिससे वहां की ग्लैंड हो और नेक को चारों तरफ जो मूवमेंट्स वगैरह होती है। क्योंकि एक्चुअली क्या देखोगे, योगा का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है तो उस एरिया का ब्लड फ्लो चेंज होता है। तो इसलिए चाहे भुजंगासन है, धनुरासन है, मतलब जो जिस एज ग्रुप में बिलोंग करता है, तो सारे जो नेक के बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन होते हैं, जहां पर भी नेक आपका मुड़ता है, स्ट्रेचिंग होता है, क्योंकि एक बार स्ट्रेच होगा तो एक बार नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो उससे वहां का ब्लड फ्लो चेंज होता है। तो वो चीज कराओगे, सिंह गर्जन आसन है, भ्रामरी बहुत बढ़िया काम करता है, स्ट्रेस की हिस्ट्री जरूर मिलेगी ऐसे पेशेंट्स को। देख लीजिए मैम, अगर आपने अग्नि करेक्ट करी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और T3 T4 अगर बढ़ाया और TSH नॉर्मल है, इट मीन्स की पिट्यूटरी से प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स की थायराइड ग्लैंड से इटसेल्फ प्रॉब्लम है ना। ओह यस यस, क्योंकि हार्मोन तो उसके हैं, TSH तो वहां से रेगुलेट होता है ना, और ये यहाँ से रेगुलेट होते हैं। तो उस केस में जब आप योगा कराएंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। और डाइट में वही लघु पाच्याहार और दीपन पाचन और लोमन जरूर रखो मैम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एलोपैथी के माइंडसेट से मत काम करिए, आप आयुर्वेद के हिसाब से करिए, आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज पतंजलि वालों के फॉर्मूले में आरोग्य वर्धनी, कांचनार और त्रिकटू, ये 3 चीज देते हैं, ये पतंजलि वालों का वो है। और मैंने थायराइड में अधिकतर आरोग्य वर्धनी और कांचनार ही अकेले पहले चलाई है। अच्छा, कई बार भूल भी जाती थी, लेकिन अच्छा है रहता था कि मेरे पेशेंट ने कुछ ही दिन खाई हुई थी थोरनॉर्म वगैरह, और वो कम एज के थे, तो मान लो पेशेंट की एज वगैरह ज्यादा है, और तब मुझे दीपन पाचन अनुलोमन नहीं आता था, मतलब उतना शुरुआत की बात है। तो आपको तो अच्छा आता है तो आप दीपन पाचन अनुलोमन करके करो, जैसे अब हमको करना होगा तो ये सब चीजें देखेंगे। तो आप योग, मर्म, डाइट और दिनचर्या, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है या जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें कुरपर मर्म आपको पता ही है, कुरपर मर्म का भी जरूर स्टिमुलेशन कराइए, है ना। ओके हाँ हाँ, इतने सबके मतलब एक पूरा कहता नहीं मैं, पूरा फुल कंप्लीट पैकेज, आयुर्वेद योग सारी चीजें और मर्मा जब ऐसे कराओगे तो मैम आ जाएगा। तो ऐसे मंदाकिनी मैम ने तो आपको बहुत कुछ बता ही दिया है। थैंक यू मैम। मैम मंगला मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, पीसीओडी की पेशेंट थी, मतलब मेरे पास तो सारा रिपोर्ट सब कुछ करा करके और हर जगह से ट्रीटमेंट लेकर के आई थी, तो उनको कहीं से दवा चली थी और हार्मोनल पिल्स भी चले थे, तो उनको फिर पीरियड्स आ गया था, लेकिन वो फिर जा नहीं पाई अपने हॉस्पिटल पे जहाँ पे उनको दिखाना था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने उनका फिर अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उनको पीसीओडी डायग्नोस हुआ। फिर हमने उनको ऐसे दीपन पाचन चलाया, अलपत्ति का चूर्ण वगैरह, और मैंने एक बार इसने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि वो रात में 2-3 बजे सोती थी और दोपहर को 1 बजे उठती थी और फिर वो नाश्ता करती थी ऐसे करके, है ना। तो वो अभी पेशेंट ही आ गई थी, तो उसको हमने अलपत्ति का चूर्ण चलाया था, चित्रकारी पत्ती चलाई थी बस। तो उसे क्या हुआ कि अलपत्ति का चूर्ण खा करके उसको उल्टी हो गई, तो उसने वो बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि उसको अब पीरियड्स आ गए ना, इसी पिछले महीने की 24 तारीख से उसको पहले स्पॉटिंग आनी चालू हुई, केवल एक स्पॉट जा रहा था, तो वो 10 दिन तक रहा। उसके बाद वो चली गई बाहर, फिर उसको बाद मुझे दिखा करके, फिर उसके बाद उसको क्लॉट जाने लग गए, टूटे टूटे जाने लग गए। आज वो आई तो बोली थी कि मुझे ऐसे करके हो गया, मतलब 10-12 दिन हो गया और मेरे को अब क्लॉट जा रहे हैं। तो मैम इसमें हम अभी तो हमने कोई दवा चलाई भी नहीं है, तो अभी हम इसमें कैसे सोचेंगे। अभी मैंने उसको दशमुलारिस्ट और ये अपना अशोक अरिष्ट दे करके अभी तो मैंने भेजा है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड और कराने को बोला है। यूपीटी उसका नेगेटिव था, यूपीटी नहीं था। अच्छा मैम, उसमें आपने दशमुलारिष्ट तो चलाया ही है, मगर अनुलोमन के लिए भी देना चाहिए, अपन वायु की दृष्टि है ना यहाँ पर। मैम वो अभी पत्ती का चूर्ण मैंने सोचा था, क्योंकि उसका ना मोशन हमेशा ऐसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, तो अभी पत्ती का चूर्ण किया था ना, तो वो बार बार उसको उल्टी हो जा रही है, तो आज बोला है गोली बना के खाने के लिए भी देखते। अच्छा, शुंठि सिद्ध एरंडा तेल तो बहुत अच्छा काम करता है मैम। हाँ मैम, मैंने एक बार शेयर किया था ना, छोटी बच्ची थी, 16-15-16 साल की, पीसीओडी था उसको। हाँ जी।
मैंने तो सिर्फ वही चलाया था ना, दशमूला रिश्ता और एरंडल सिद्ध, शुंठी सिद्ध एरंडल तेल ही चलाया था ना। अच्छा हाँ, और कांचन और गुगुल, और उसको अभी क्लॉट पे है ना, क्लॉटिंग है ना। वो मेन इसको प्रॉब्लम ये है कि जब बार बार मुझे मतलब 15 15 दिन से जो मेरे को क्लॉट हो रहा है, कपड़े बिगड़ रहे हैं, उससे पहले हमें सॉल्व करना है, वो बंद हो जाए। ये तो चलाना पड़ेगा मामा, एरंड शुंठी सिद्ध एरंड तेल चलाओ अभी, और दशमला रिस्ट। दशमुलारी अशोका जो शास मैंने इसीलिए दिया कि अगर कुछ ऐसा ब्लीडिंग होगा तो वो कंट्रोल करेगा फिर। हाँ अभी हाँ ठीक है, उसके बाद तो फिर वो जो चिकित्सा है फिर वो तो चलेगी चलेगी। और हाँ, इतने में उसका वजन भी कम हो गया। जैसे उसने अपनी मतलब खुशी की बात यह है कि उसका जो वजन था वो 74 kg था, और अभी उसका वजन 64 हो गया। मतलब इतने 15 दिनों में उसने अपनी दिनचर्या सही कर ली। पहले वो रात को 2 बजे सोती थी और शाम को 3 बजे उठती थी, फिर 4 बजे उसका ब्रेकफास्ट होता था ना। अभी उसने हाँ जैसे ही चेंज किया उसका वजन कम हो गया इतना ज्यादा। अच्छा हाँ, वो बड़ी खुश थी। हाँ, बहुत खुश थी अपनी दिनचर्या सुधार करके, और खाना पीना सब कुछ बाहर का छोड़ दिया था। हल्का ही खाना ले रही थी, रोज टहल रही थी, योगा कर रही थी। लेकिन ना, मुझे थोड़ा सा चोट लग रहा है कि इतना इतना जल्दी 15 दिन में ना कुछ ज्यादा ही नहीं कम हो गया। मुझे तो देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे कम हो गए। हाँ, ठीक ठीक है। शुंडी है सीधे तेल चलाओ मैम उसको। जी, हाँ ठीक हाँ ठीक है। ठीक। शशि मैम, आप भी कुछ अपना बताइए, हमें क्या करना होगा, ऐसे केस अगर आपने सुना हो। यहाँ पे तकदीर सिंह सर, आप बताइए, आपने जो लिखा है मंगला मैम को। तकदीर सिंह सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? तकदीर सिंह सर है? हेलो हेलो। हाँ सर, बताइए मैम के केस में। थायराइड मैम, सबसे पहले नींद सही करनी होती है। अगर पेशेंट लेट सो रहा है ना, थायराइड ठीक नहीं होता, इतना मर्जी ट्राई कर ले। तो सर आपकी आवाज ना बहुत धीमी आती है, मैं दूर से बात करते हैं क्या? हेलो मैम, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो मैम थायराइड के पेशेंट में सबसे पहले कि रात को सोना उनका सही करना पड़ता है। जितने भी थायराइड के पेशेंट होंगे ना, वो रात को लेट सोते हैं ज्यादातर, उनको ट्राई करें कि 11 से ज्यादा 11 बजे तक सो जाएं। अगर आप पेशेंट रात को नहीं सोता टाइम पर, आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे रहे हैं, वो ठीक होता ही नहीं है। जितना लेट सोएगा उसे उतना ज्यादा थायराइड बढ़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है? कोई हमारी मैम के केस में आप लोग अपना ऐड करिए। हाइपरथायरॉइडिज्म का केस है मैम का, और अभी स्टार्टिंग है, बॉर्डर लाइन पर ही कह सकते हैं हम। गीता पटेल मैम, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए हाइपरथायरॉइडिज्म में। और देखने में आदमी सोचेगा कि कुछ ज्यादा काम नहीं क्या करेगा फ्लैट में, लेकिन काम गीता बहुत पटेल करेगा, मैम, काम टाइम लगेगा। सर, वृंदा चौहान मैम, फैंसी फैंसी काम कर रहा है ना, फर्नीचर आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। वर्नीचर है। फैंसी पूजा मैम, आदित्य झा सर, चलिए कोई बात नहीं। और किसी का कोई केस हो, कोई किसी कोई कुछ शेयर करना चाहता सही है। हो? और क्या बाद में अपने ये तो आ जाए। और बताओ क्या हाँ, बताइए। सत्यप्रदा सर, आपको कुछ शेयर करना? जी मैम। बोलिए मैम, आपने देखा वीडियो? अभी तो सर हम लोग इसी यहीं पर ही हैं, देखेंगे तो पता। अब देखने के बाद ही डिस्कस किया जाए, कैसे कैसे क्या बताएं ऐसे। तो कुछ जान कुछ पूछना है तो हम बताएं। हाँ अब मैम उसको अगर वीडियो देख लिया जाए, तब उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे मुझे शेयर करना आता होता तो मैं सभी को दिखा देती वीडियो। जी तो आता है, लेकिन ग्रुप तब में तक हम डालो लोग मैम।
हाँ सर मैं देखते हैं, हम लोग पूछते हैं तब तक। और किसी को पूछना है सत्य प्रकाश सर से तो आप पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई केस है, किसी को अपनी चिकित्सा में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर अपने डाउट क्लियर करें। मैम एक हमारा केस है सर, बताइए। एक पेशेंट है लगभग 58 इयर्स उनकी एज है जी। उनको उंगलियों से पेन स्टार्ट होता है हाथ के दाहिने हाथ में जी, और रेगुलर नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए उठेगा फिर बंद हो जाएगा जी। तो दवा तो दिए हैं हमने, विध भी किया है जी, छिप्र का छिप्र के ऊपर, तो थोड़ा रिस्पांस तो है लेकिन कम्प्लीटली अभी राहत नहीं हो रही है। पर क्या मतलब आपका डायग्नोसिस क्या बना आयुर्वेद के हिसाब से? डायग्नोसिस मैम बन नहीं पाया मुझसे। सूजन वगैरह है उनको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। संजीव अग्रवाल क्या केस है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके फिंगर टिप्स से शुरू होता है पेन और वो बढ़ के कंधे तक आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। अच्छा शुरुआत नीचे से है वो ऊपर की ओर जा रहा है ना? जी मैम जी। अच्छा तो सर ये तो हमारी वात व्याधि में ही आ जाएगा ये तो फिर? जी ट्रीटमेंट तो वात व्याधि मान के ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ कैसे शुरू हो रहा है, किस कारण हो रहा है। सर ये जो फिंगर था तो ये टिंगलिंग सेंसेशन भी है क्या वहाँ पे? नहीं मैम कुछ नहीं, उसमें नंबनेस है हाँ, थोड़ा सा उनको सेंसेशन कम होता है। हाँ तो सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आपको ट्रीटमेंट विश्ववाची और बाहुका की तरह देनी पड़ेगी सर जी, इसमें ब्रह्मणीय चिकित्सा देनी है आपको, आपके पेशेंट को मुश्किल भी चलेगा सर इसमें जी। मात्रा बस्ती भी ले सकते हैं आप सर इसमें, इसमें छिरबला का अर्नेस से काम करेगा मैम? बिल्कुल सर डेफिनेटली काम करेगा। आपके पेशेंट कैसी है, मतलब स्टेबल है कि नहीं है? नहीं बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मर्म पॉइंट्स जो है उजी आणी है ना जी, आपने पढ़ा होगा तो वो मर्म्स भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं सर जी। इसमें सर आप मात्रा बस्ती देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप छीरबरा तेल या फिर धनवंतर तेल वगैरह तो मिक्स करके जी ऐसे इसको विश्ववाची और अबाहुका की तरह ट्रीट कीजिए ना, क्योंकि मोटर फंक्शन डिस्टर्ब है यहाँ पे जी। पूरी तरह हम समझ नहीं पा रहे थे क्यों हो रहा है जी, बस यहाँ पे उल्टा हो गया है थोड़ा और कुछ नहीं है जी। और किसी को सर के इस केस में ऐड करना है तो कृपया करिए। सर नमस्कार सर, सर ये जो पेशेंट आप बता रहे हैं इसमें नंबनेस ज्यादा है या पेन ज्यादा है? पेन ज्यादा है। अच्छा पेशेंट तकिया तो आपने पूछा, तकिया तो नहीं लगाती ज्यादा मोटा? मेल पेशेंट है सर, मेल पेशेंट है। तो आप जो भी है, जो भी पेशेंट है वो आप उससे पूछिएगा अगली बार, वो मोटा तकिया तो यूज नहीं करते हैं आप? जी कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह के सेंसेशन आते हैं कि उंगलियों में सुन्नपन और पेन वगैरह भी रहता है, उस तरह को भी आप देख के रहिए जी है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। अगली बार फॉलो अप में आए तो आप पूछ लीजिएगा थोड़ा सा। जी सर धन्यवाद सर। हेलो जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ना पेन नेक से स्टार्ट होगा और रेडिएट करेगा एक्सट्रीमिटी की तरफ, राइट में लेफ्ट में जिधर भी जाएगा रेडिएट वहां से होगा, ओरिजिनेशन जो होगा ना उसका नेक से होगा। तो ये तो कंप्लेन कर रहे हैं कि उंगलियों में पेन होता है ना, टिप्स से शुरू होता है बस, टिप्स से। हाँ टिप्स है ना, तो इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिनेशन जो है वो नेक से है, नेक से रेडिएट करता हुआ आएगा, वो ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्टिकुलरली टिप्स पे बता रही है, कहीं ना मेरे को लगता है स्वेलिंग भी है क्या? नहीं सर स्वेलिंग कहीं नहीं है। ये देखो वायु तो अवरोध हो रही है, और होगा किसकी वजह से रही है या कब की वजह से, कहीं ना कहीं तो है।
ये तो ये है ऊपर का तो नहीं, नेक से तो कोई इस तरह का बात बनती नहीं है जी सर। वही मेरे भी समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से जाता है तो ना ना ना, इसमें स्पॉन्डिलाइटिस का तो कोई मतलब ही नहीं है जी सर। वहां से तो इसका कोई अगर वहां से तो रेडिएट करता हुआ नीचे आता ना जी। सर पेशेंट को अभ्यंग कराया है? हाँ मैम बताए तो थे उसको कि तेल मालिश करते रहिएगा। हाँ तो सर उनको सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि देखिए वातशमन में मेन चीज होता है स्नेहन और स्वेदन है, तो सुखोष्ण जो है तेल जो है चाहे महानारायण तेल में आप लहसुन डाल करके पाक करके अपने पास से दे दीजिए जी जी, क्योंकि अकेले महानारायण तेल कई बार ऐसे केसेस में नहीं काम करता है जी। अच्छी प्रिपरेशन नहीं रहती है मतलब मेरा कहने मतलब, वैसे तो महानारायण तेल बहुत अच्छी चीज है तो उसमें लहसुन पकाकर अपने पास से दे दीजिए पेशेंट को, उसे मालिश करें और उसका अपान वायु के जो भी है दुष्टि उसको भी ठीक करना पड़ेगा, मतलब ग्रहणी दुष्टि जरूर देख लीजिए एक बार जी, जी, जी। पाचन कहाँ पर है, कुछ उल्टा पुल्टा है जी, और जी। कई बार होता है ना कि सिंपल सा अगर सोचो तो ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया का ठीक नहीं है तो जी, सर वो जो होता है ना प्राणायाम सॉरी सूक्ष्म व्यायाम वाला सिस्टम की फिंगर्स को बंद करना और खोलना, ये जो होते हैं सारे रिस्ट जॉइंट के जितने मूवमेंट्स होते हैं तीन होते हैं ना आसन में सूक्ष्म व्यायाम मतलब एंटी रोमेटिक वाले, तो वो जरूर करवाइए पेशेंट को सुबह शाम जी। बाकी हमने वाद विध्वंसन माया जैसे मान लीजिए ये चीज है ना, एक तो ये खोलना बंद करना हो गया, एक ये ऐसे ऐसे हो गया और एक ये जो रोटेशन होता है, तो ये तीन कराइए सर फर्क आ जाएगा ठीक है सर। ओके मैम ओके जी सर। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे कुछ लक्षण तो नहीं मिल रहे? नहीं मैम ऐसा भी नहीं है, ये पूरे हैंड में आ जाता है वो नीचे शुरू होके पूरे हाथ में आ जाता है। यहाँ से शुरू होता होगा ना उसको प्रॉब्लम फील होती होगी वो जी मैम जी मैम टिप पर। हाँ तो यहाँ से शुरू होकर नीचे तक आ रहा है ना, तो कई बार आप ये संपूर्ण सा समझो कि यहाँ से जो नर्व आ रही थी प्रॉपर पोषण का, आप बहुत सिंपल वर्ड में हम समझे तो नर्व का प्रॉपर पोषण नहीं हो पा रहा है अगर यहाँ से चल रहा है सिस्टम तो, क्योंकि कोई भी फ्लो यहाँ से तो नहीं चलता, या आप समझो हार्ट से चलता है सारा सिस्टम है ना, तो हार्ट में अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप मालिश हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट कराई जाती है, ये चीज याद रखिए, और जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो अवे फ्रॉम द हार्ट मालिश होती है ठीक है। तो ये चीज भी और नहीं कुछ समझ में आए तो जैसे हाथ पूरा हो गया तो उस पर सर्कुलर जब मसाज कराते तो वो भी आप करा सकते हो, तो सबसे मेन इस पार्ट पर बढ़िया से करें फिर धीरे करके मालिश करते करते पूरा यहाँ तक लाए अच्छे से जी। तो आप देखिएगा और मालिश तो सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट खुद कर लेगा या कोई ऐसे इंसान से मालिश करवाइएगा पेशेंट का जो उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं कि कोई दाई वाई से करा ली जो बिल्कुल थके हारे हैं तो वो जब तक टच करेंगे तब तक आराम रहेगा, बाद में उनको मतलब रिलैक्स नहीं लगेगा जी। या तो पेशेंट का कोई बहुत सुख चिंतक हो वो करे या नहीं तो पेशेंट खुद से अपने हाथ से करे जितना भी जी। है नहीं तो एक दो बार सर आप भी करा कर सकते हो, मतलब आप मतलब आपके यहाँ जो कोई स्टाफ हो बहुत ट्रेंड हो तो बहुत पॉजिटिव होकर और महामृत्युंजय मंत्र या कुछ इस तरह का वहां पर जाप चलता रहे उससे और बढ़िया रिजल्ट आता है, तो चीज कराइएगा और साथ में जो भी अपना ग्रहणी तुष्टि वाला है दीपन पाचन लोमन अगर लंघन की जरूरत हो, मान लो मल में कहीं कोई और विकृति हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है पेशेंट की एज के हिसाब से हो सकता है मनोवस स्रोतस की भी कुछ दुष्टि हो, तो नस्य के अलावा कुछ ऐसा ऑयल दे दीजिएगा जो मालिश वगैरह के लिए, नहीं तो जिससे अच्छी बढ़िया नींद आए तो वहां पर भी बहुत अच्छी हीलिंग होती है जब नींद बढ़िया होती है साउंड स्लीप से जी। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बताइएगा प्लीज। ओके मैम बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा मैम जी सर, थैंक यू सर। मंदाकिनी मैम आप क्या बता रहे थे इस केस में और? कुछ नहीं बस यही बताया मैंने मात्रा बस्ती के लिए कि तकदीर सिंह सर बताना चाह रहे हैं, सर बताइए। हेलो मैम। हाँ जी सर बोले। हेलो हाँ मैम, उनके हाथ तो नहीं भारी होते सर, उनको अपने बाजू वगैरह भारी, उनको अपने हाथ बाजू भारी लगते हो? नहीं भारीपन नहीं है, बस केवल टिप्स के ऊपर उनको थोड़ा सा नमने से ऐसा रहता है टिप पर खाली। सर मैं ना अभी आपको एक पिक भेजूंगा जी, आप वहां पर उनको दबा कर देखना, अगर वहां पर दबाने पर उनका हाथ उनको हल्का लगा ना जी तो वहां से नर्व जाती है, वहां की कंडक्शन होती है हाथ की जी, तो जी। तो कंडक्शन स्लो हुई होगी ना तो वहां पर उनको दबाने पर ना हाथ हल्का लगेगा ना पूरा बाजू। ठीक है सर, ठीक है सर, दिखाइए जी सर। Thank you.
चलिए, और किसी को कुछ बताना है सर के केस में, कोई शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस या कुछ एड ऑन करना चाहे? गीता पटेल मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैम, इसमें संप्राप्ति कहाँ क्या निकल के आ रही है, कहीं कुछ बात बनी है, क्या कुछ हो रहा है सर? हेतु बताइए सर, संप्राप्ति निकालनी है सर, बताइए हेतु। सर नहीं, ये तो हमने देखो नहीं, हाँ जी सर, कुछ ऐसा मिला नहीं मैम, कोशिश हमने किया पूछने का। सर बात व्याधि है सर, मिला तो होगा पक्का, आपसे वो छुपा रही है ना, कहीं देखभाल कहीं कुछ खाने पीने में, कहीं स्ट्रेस की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होगी सर। मैम कारण तो जरूर होगा लेकिन ढूंढ नहीं पाया सर। अपना केस में कराइए ना ऑनलाइन, आजकल तो कोई भी डॉक्टर केस भी लेकर के नहीं आ रहा यहाँ पे अपना। ठीक मैम, कल केस लाता हूँ, कल उसको लेकर के आइए सर, नहीं तो आप वो कुछ तो पूछ के बताइए तो हम लोग संप्राप्ति निकालेंगे। लेकिन ये है आपका वात व्याधि से रिलेटेड ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, तो जो भी ऐसी बीमारियां होती है उसमें हम वातहर ब्रह्मणी चिकित्सा करते ही करते हैं। जी जी जी, उसमें आपका नस्या है, मसाज है, मात्रा बस्ती है, ये आप नस वगैरह ऐड करते हैं उसमें, देखते हैं। जी मैम, मंगला मैम बताइए, वो मंगला मैम पूछ रही है, मैम वो पूछिए आपको क्या पूछना है। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है क्या सर? नहीं मैम, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी नहीं दिए हैं, पेट साफ हो रहा है क्या बोल रहे हैं सर? उसकी डाइट देखिए, कुछ तो खा रही है वो, चना दाल बाहर की कोई चीजें, मिर्च कुछ तो है, दही कुछ तो है। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री इसे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलती है मैम? मैम बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कॉन्स्टिपेशन का, मतलब जब उनको आकर दो तीन दिन नहीं होता है और पेट में दर्द होना लगता है, गैस बनने लगती है, तब वो बोलते हैं कि हाँ हमको कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, उनको समझता नहीं है, वो ठीक से पूछना पड़ता। सर उसमें ऑपरेशन की हिस्ट्री नहीं है क्या, कोई कहीं ऑपरेशन हुआ हो कभी उसका? नहीं कोई हिस्ट्री नहीं है। बाकी उनका शुगर वगैरह बीपी वगैरह सब सही है? हम तो फिर देख लेते हैं, आपकी बार आएंगे फॉलो अप में तो मैं फिर देख लूंगा सर। वो मैंने कल एक ना केस शीट शेयर की है सर वाली, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए, उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे हैं, आप वो सब उनसे बोके पूछ लीजिएगा। जी मैम जी, एक ना एक तो ऐसा खाद्य पदार्थ आ ही जाएगा जिसमें की वो समझ में आ जाएगा की क्या कारण हो रहा है इसमें। जी मैम जी, ठीक है सर, कुछ बताना है ना सर आपको, बताइए सर। हेलो सर, सर आपको पिक्चर मिल गई, मैंने आपको भेजी अभी सर, कहाँ? इसी पर व्हाट्सएप पे सर। अच्छा सर, देखता हूँ और किसी को कुछ शेयर करना हो या कुछ बताना तो प्लीज बताएं सर के केच में या कहीं और कुछ। पिक्चर आपकी मिल गई है? हाँ जी सर, बोले प्लीज। हाँ सर, वो पिक में आपको मैंने वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन मारी हुई है दो। जी जी, तो उसके साथ एक बोन आपको दिख रही होगी दोनों साइड। जी सर। हाँ सर, उस बोन के ना अंदर से अंदर साइड से मेरी हड्डी की तरफ से लेकर ना आपने जो साइड में बोन है उसकी तरफ मालिश करनी है और बोन के नीचे जाना है। जी, और वो जो बोन है ना उसके साथ साथ में आपने नीचे नीचे दबाकर देखना है, उनको एक जगह पर पेन होगी हल्की सी। जी, इस जगह पर पेन होगी ना, आपने जी सर कहना कि अपना हाथ उठाकर देखे कि आपको हाथ अपना हल्का लगता है आगे से। जी जी, अगर उनको अपनी आम हल्की लगी ना पूरी बाजू, यानी कि यहाँ से जो कंडक्शन है वो कंडक्शन पूरी नहीं हो पा रही। जी सर, जी जी, मालिश करने से ना वो ठीक हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी ताकत वाला तेल देना है, जैसे हम अश्वगंधा सावर श्वेत तुलसी वगैरह जलाकर अपने तेल में ऐसी कोई चीज वगैरह ना। जी सर, तेल देंगे दो तीन दिन में उनको आराम मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई इश्यू नहीं होता, कई बार यही इश्यू होता है सिंपल सा ही, कंडक्शन कम हो जाती है। जी सर, थैंक यू सर। शशि मैम, जी हाँ जी मैम, बताएं मैम। वो केस है, मतलब केस क्या है, मेरा ही बेटा है,
इसको फीवर आ गया है। असल में कल क्या हुआ कि आया कल ये स्कूल से तुरंत आया और ज्यादा गर्मी थी, अभी तक तो मौसम खराब था ना, बारिश का हो रहा था। और हाँ तो वो कल आया और मैं भी आराम कर रही थी, मैं भी थोड़ा आलस कर गई, मैंने इसको रोका नहीं। ये कल आते ही तुरंत अपने रिश्तेदार के से नहा लिया और नहाने के बाद इसको ना कल तो कुछ नहीं हुआ, आज सवेरे से भी ठीक ठाक था, गया क्रिकेट वगैरह खेल के आया। दोपहर में मैं चली गई हॉस्पिटल तो ये उसको बोला था मुझे चक्कर आ रहा है। फिर मैं जब आई तो उसने बोला कि चक्कर आ रहा है, तो मैंने चेक किया तो इसका सांस गरम गरम चल रही थी, मैंने कहा तो बुखार आने वाला है। तो अभी मैंने इसको तो मैम मेरे पास तो मतलब क्या दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कॉर्टिसोन टैबलेट दिया है, मतलब नाक जकड़ी हुई थी ऐसा लग रहा था मेरे को, अभी और क्या दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, दूध मांग रहा था। फीवर कितना है अभी, आप पहले मुझे ये बता फीवर कितना है बच्चे को? ज्यादा नहीं है मैम, अभी 99 ही है, बस चक्कर आ रहा है। तो महासुदर्शन घनबट्टी दे दो ना। मेरे पास है नहीं है, मेरे पास संजीवनी बट्टी रखी हूँ, खत्म हो गई महासुदर्शन घनबट्टी। नहीं चलो वो सब नहीं है, तो आप ये भी मैम लौंग का पानी बनाओ, ठीक है, चार से पांच लौंग एक लीटर पानी में उबाल लो, वही पानी बच्चे को बार बार दो पीने के लिए। खाने में तो आपको पता ही है, जब उसको भूख लगेगी तभी कुछ दीजिएगा अपने मन से। बहुत तेज लग रही है मैम भूख, तो इतनी ज्यादा लग रही है उसको, वो दूध मांगा उसने मेरे से तो मैं डर रही थी, तो मैंने दूध में सुंठी डाल के दे दिया, तो आधा ही गिलास डरते पिला दिया, फिर कह रहा और ले आओ खाना, मेरे को भूख लग रही है, फिर मैंने खिचड़ी बना के दी उसको, अभी सुला दिया है मैंने। ठीक है, तो आप लौंग वाला पानी दे दो, ठीक है, फीवर के लिए वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और घर में वैसे आप और क्या बनाकर फीवर के लिए दोगे? मैं तो लौंग वाला पानी दे दो मैम, एक दो दिन आराम आ जाएगा, कल बताना अगर फीवर ज्यादा रहेगा। ये जो है ना हो सकता है कि उसको जुकाम टाइप का भी है ना, ऐसा लग गया था ना कि चक्कर आ रहा है, आंखों में से पानी गिर रहा है, आंखों में से पानी गिर रहा। जमाई भी आ रही है? जमाई में तो नहीं आ रही है, आंखों में से पानी, पांव दर्द, वही वो वात पित्त ही लग रहा है, चक्कर ज्यादा आना है। वातज में ऐसा होता है कि जमाई बहुत ज्यादा आती है, अगर किसी भी इंसान को फीवर होने से पहले बहुत जमाई आ रही है तो वातज ज्वर का होता है। पित्त जो ज्वर में अधिकतर आंखों में दाह वगैरह ज्यादा महसूस होता है, ठीक है, आंसू गिर रहे हैं बस, मतलब पानी नहीं आ रहा पहले से लेते वो आ रहा है। और जो मैं समझ गई, लेकिन अब वो मुझे लक्षण याद नहीं है, वो आप देख लेना। आपके पास में गिलोय है घर के आसपास? हाँ, अभी तो मैंने मेरे मैम एक पेशेंट के लिए ना मैंने बनाया था वसंत कुसुमाकर, गिलोय, प्रवाल, पिस्टी, जब वो कॉम्बिनेशन बनाया था तो वो मैंने इसको ना ऐसे चाटन के लिए दे दिया है, बट फिर भी एक रहता है ना कि आपस में पूछ लेते हैं थोड़ा, तो सुबह गिलोय दे देना ना, सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका गिलोय का बना करके आप शहद के साथ ऊपर दे देना, या गिलोय पिला करके ऊपर से शहद चटा देना। अगर फीवर कभी भी 100 से ऊपर नहीं है तो गिलोय से काम चल जाता है, और ये जो लौंग वाला पानी है मैम उससे काम चल जाता है, ठीक है। बस देख लेना पेट साफ होना चाहिए, अगर नहीं पेट साफ हो रहा तो कुछ भी दे देना। पेट तो साफ हो रहा है अभी, आज दोपहर में फिर गया भी था मोशन तो क्लियर हुआ, भूख भी अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने कहा तो फिर आप गिलोय दे दो हफ्ते भर। गिलोय सोरस, मतलब गिलोय घनबट्टी की बात नहीं कर रहे हूँ मैं, गिलोय सोरस दे दो, बहुत बढ़िया काम करता है, चाहो तो दो टाइम दे सकते हो। ये गिलोय सोरस में हम लोग पत्र यूज करते हैं, फिर उसकी डंडी यूज करते हैं मैम, डंडी यूज करते हैं, गिलोय का कांड इस्तेमाल होता है। अच्छा, कांड इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर के आसपास पारिजात हो तो एक टाइम आप सुबह गिलोय दे दो, शाम को पारिजात दे दो, बच्चा है तो दो। अभी लगाया है गिलोय है मेरे पास, देती हूँ। अच्छा, पारिजात में नहीं है? पारिजात तो नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा, गार्डन वार्डन में तो पारिजात बहुत होता है, तो वैसे केसेस में फिर पारिजात दे देना चाहिए, दो पीस मान लो दो पत्ती का। तो पारिजात का क्या होता है कि लीवर पर बहुत बढ़िया काम करता है, अगर आपने पढ़ा होगा उसमें क्या जो हम लोग की थी ना सेकंड प्रीवियस शर्मा जी की बुक, तो मैं तो बहुत सारी जगह पारिजात यूज करती हूँ, खास करके जितनी दर्द उर्द वाली चीजें होती है, जैसे उसको पैरों में दर्द उर्द लग रहा है ना, तो उसमें भी बड़ा बढ़िया आराम आएगा। बच्चे के लिए एक या दो ही सफिशियंट है, उसका काढ़ा बनाकर दे दो, कड़वा होता है तो चाहे तो पीस करके शहद के साथ दे सकते हो, सोरस फॉर्म में भी अच्छा होता है। अभी अरविंद अभी अरविंद आसव है तो वो भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, आप दे लो। मैं नहीं देती हूँ, मैं तो मतलब दिया नहीं, अरविंद आसव यूज करना चाहिए, पित्त चीजों में बढ़िया काम करता है, क्योंकि उसमें जो जितने कंटेंट पड़े हैं ना सारे पित्त शामक है लगभग अरविंद आसव में, बच्चों में भी बढ़िया काम करता है और बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। त्रिभुवन गिरति रस नहीं दे सकते? पर दे सकते, घर में नहीं है ना, घर में तो घर में है नहीं एक्चुअली, वो पेशेंट आते रहते हैं ना तो सब निकलता रहता है,
और मेरे टाइम में अभी मैं वही घर के ऑप्शंस बता रही हूँ, तो वरना तो सर आपके पास देखो गोदंती दे सकते हो आप, मांसवर्षन घनवटी दे सकते हो आप, त्रिभुवन कीर्ति दे सकते हो आप, एफ्लोसिल फोर्ट दे सकते हो आप, वो दे सकते हो क्या बोलते हैं गोदंती है मैडम, गोदंती है, गोदंती है तो चलो शहद के साथ चटन करा लो। हाँ हाँ सही रहेगा, बहुत सारी चीजें आप पित्त शामक भी जो भी द्रव्य है आप उनको भी दे सकते हो, अगर ऐसे आप समझो तो पित्त शामक भी दे सकते हो, देने को बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर क्या आपने यूज किया है किसका आपको अनुभव ज्यादा, तुलसी स्वरस के साथ दे दो गोदंती। अच्छा सर, सर कैसे मतलब तुलसी स्वरस तो थोड़ा सा होगा और गोदंती एक मतलब 125 mg ना सर? हाँ सर, खाली पेट खाने के बाद वही खाना खाने के बाद ही दे दो कोई बात। 10 पीस ले लेना तुलसी की पत्ती, उतने का आराम से निचोड़ देना हाथ से, हो जाएगा उतना उतने भर में। तो आपके पास गिलोय घन वटी आती है वो नहीं है, चंद फिर रही अब भी आती है ना अपने बताए था सुदर्शन घन वटी। हाँ हाँ बहुत सारी चीजें हैं पाउडर फॉर्म में, तो बहुत सारी चीजें हैं, पर बच्चे ना पाउडर फॉर्म में लेने में बहुत परेशान कर देते हैं मैम, शहद के साथ दे देते ना जी जी मैम, जो करा सकते हो मैम नाभि के आसपास, नाभि और पेड़ू के बीच में ठंडे पानी की पट्टी रख देना, ठीक है जी, तो उससे भी फीवर डाउन हो जाता है, और एक सर पर तो रखते ही है कि सर पर वो ना, और नाभि और पेड़ू के बीच में, ठीक है जी मैम, इतना करके बताइएगा मैम जी। मंगला मैम बताइए, आपने लिखा है वो बताइए मैम, और भी कुछ हमने बताइए। संजीवनी वटी दे सकते मैम, उसका भी रिजल्ट है। तो फिर वो दे देते, संजीवनी है ना आपके पास? हाँ वो है मेरे पास। ठीक है ठीक है, और किसी का और कोई कुछ ऐड करना चाहे, बच्चे के ज्वर में वायरल है, वायरल के केस में तो मैम ये चीज और दे सकते हो जो घर में आपके अवेलेबल होता है, सुबह सुबह आप उसको ऐसा करना 2 से 3 पीस काली मिर्च और 4 से 5 तुलसी का पत्ता सुबह सुबह खाली पेट ही चबवा देना, मतलब जिसको कहते हैं बासी मुंह अपने आप बोलते हैं ना, ब्रश भी नहीं तैयार है, तो वो भी 4-5 दिन तक चबवा सकते हो, कोई भी वायरल फीवर हो या कुछ और भी डाउट हो तो वो बढ़िया काम करता है जी। हाँ याद आ गया मैम, क्या बोला आपने? मैम काली मिर्च और तुलसी जो होता है, अगर आप पढ़ो तो तुलसी विषम जो रग्न होता है, ठीक है, तो काली मिर्च होता तो उष्ण है पर प्रमाथी होता है, तो जो भी दोष रहते हैं उनको काट करके निकालने काम करता है, तो जब वायरल फीवर वगैरह केस हो जैसे मलेरिया वगैरह तक में भी ये होता है कि आप काली मिर्च और जब तुलसी देते हो सुबह सुबह बासी मुंह, मतलब कि बच्चा सोकर उठा है या इंसान सोकर उठा है, उसमें तो वैसे नियम होता है बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का, बट ब्रश भी ना किया हो तभी दे देना चाहिए, तो उसको कुछ नहीं, बच्चे को लेने प्रॉब्लम अगर कर रहा है तो उसको फूट काट करके शहद में डाल करके चटा दो। ओके, ये अपने लोग यहाँ बहुत लोग कराते हैं, कोई भी फीवर हो यहाँ तक कि टाइफाइड वगैरह में भी आप दे सकते हो, बस अमाउंट 4 से 5 से ऊपर तुलसी मतलब ये काली मिर्च नहीं करना चाहिए, तो बच्चा है तो 2 पीस सफिशियंट है जी मैम। ये सब तो हम लोग लेते हैं हमेशा, जैसे काली मिर्च हो गया, तुलसी हो गया, लौंग का पानी तो मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ, अपने बेटे को मैं खास कर देती थी, बोलती थी कोल्ड ड्रिंक वाला पानी है, तो मैम वो मीठा आता है तो बच्चे पी लेते हैं आराम से। मंदाकिनी मैम के केस में और किसी को कुछ बताना हो जो घर में इजिली अवेलेबल हो वो भी करा सकते हैं। और विनीता मैम आपको कुछ बताना है मैम? विनीता चौहान मैम प्रणाम मैम, मैम आपने सब बता दिया, गिलोय हो गया ये सब देते हैं मैम, गिलोय तुलसी काली मिर्च मैम रिकरेंट अनुभव होता है ना हर इंसान का अपना, कि किसने क्या दिया उसके क्या अनुभव मिले वो बड़ा काम करता है मुझे लगता है, मतलब उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है मैम। मैं तो वैसे नॉर्मल त्रिभुवन कीर्ति रस, अगर कोल्ड हो तो लक्ष्मी विलास रस ये देती हूँ, माँ सुदर्शन घनवटी गिलोय घनवटी ये मेरा रहता है घर पे। हाँ रखना चाहिए, कई बार हो जाता है ना मैम पेशेंट को देने में, कई बार चली जाती हैं चीजें जिस वक्त चाहिए होता नहीं हो पाता है तो ये किया, तो फीफा ट्रोल आती है मैम एमिल की, उसका भी अच्छा रोल रहता है, उसमें भी काफी सारी चीजें है, उसमें गोदंती है, माँ मृत्युंजय रस है और त्रिभुवन कीर्ति रस है, ये सब मिला हुआ है उसमें, तो वो उसका भी अच्छा रोल रहता है।
कंपनियां काफी वो करती हैं, बहुत सारी चीजें मिला करती हैं। बट अभी मैं कहीं सुन रही थी, और मैं हालांकि मैं खुद भी फोकस करती हूँ उन्हीं चीजों पर, कि जो कॉम्बो कंपनियां बनाती हैं एक्चुअल में वो शास्त्री नहीं रहता, बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं वो लोग सब कुछ जिसको कहते नहीं है। हाँ। तो जैसे जनरेशन एंटीबायोटिक हो गई, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो क्लासिकल कॉम्बो है उन्हीं को इस्तेमाल करिए, या सिंगल ड्रग से काम करने कोशिश करिए। मतलब जैसे अभी मैंने सुना था तब मेरे को भी दिमाग में आया, जैसे आप देखो मार्केट में जो मेध्य टॉनिक जितने भी हैं, तो उसमें ब्राह्मी भी पड़ी, उसमें शंखपुष्प भी पड़ी, उसमें मंडूकपर्णी भी पड़ी, उसमें और भी पता नहीं क्या, उसमें वचा भी डाला है, न जाने क्या क्या डाल दिया है, मतलब शीत भी, उष्ण भी, और न जाने क्या क्या जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि मेथे के नाम पर जो कुछ भी होगा वो सब डाल देते हैं। तो किस सर का लेक्चर था मुझे नहीं पता, बट काफी बड़ा अनुभव था उनका, और मुझे वाकई बड़ा सही लगा कि हमें कई बार ऐसे केसेस में अपना खुद का वो बनाना चाहिए। तो उसमें एक फायदा रहेगा कि मरीज को वाकई जो प्रॉब्लम हमारी सिर्फ वहीं पर स्ट्राइक करेंगी चीजें। तो क्योंकि आप देखो ना, वो इतना चीजें डाल देते हैं कि बाद में प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी ने कहा था या बहुत सही है ना, कि बीमारियां कोष्ठ आश्रित हैं, शाखा आश्रित हैं कि मर्मास्थी हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर कोष्ठ आश्रित कोई भी पेन है तो उसमें आप ये सब हिंगवास्टक उंगवास्टक टाइप की चीजें देकर के काम चलाओ, उसमें गुगलू कभी मत इस्तेमाल करो। जब शाखागत होता है तब आप गुगलू वगैरह के प्रिपरेशन के बारे में सोचो। या कहीं पर होता है कि लोग बोलते हैं कि महायोगराज गुगलू नहीं दो, शुरुआत में योगराज गुगलू ही दो। अब प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग कई बार महायोगराज गुगलू ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट ज्यादा आते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हमने शुरू में ही महायोगराज गुगलू दे दिया और कल को उसको योगराज गुगलू देंगे तो वो काम ही नहीं करता है, वही वाला हो जाता है कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक वाला, कि हमने शुरुआत में बहुत हाई दे दिए तो हल्की हल्की चीजें नहीं काम करती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि कोष्ठ शाखा मर्म वाला या दवाओं का भी कॉम्बो में मिनिमम प्रिपरेशन के साथ जो दवाएं हों तो वो ज्यादा प्रिफर करनी चाहिए, इसलिए सिंगल सिंगल चीजें भी चलाकर देखनी चाहिए। जी मैम, स्टार्टिंग तो वही होती है, गिलोय घनवटी, मांस दर्शन घनवटी से ही पहले स्टार्ट, अगर नहीं चीजें वो चलती हैं तो फिर देना पड़ता है। उस पर बताई, जैसे आपने बताया ना कि फीफा ट्रॉल है, उसमें उसने सब मतलब इतना कॉम्बिनेशन, आपको कुछ शीत वीर्य है, कुछ उष्ण वीर्य है, कुछ रस में भी अलग, तो एक दूसरे को इनहेंस करेंगे उस चीज को या रोकेंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि हम अलग अलग वीर्य वाली दवाइयां दे रहे हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें। ये चीज मेरे दिमाग में बहुत बार चलती रहती है, फिर मुझे लगता पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ या सही हूँ। नहीं नहीं, अभी मैंने वहां पर सुना था तो उन्होंने यही बोला कि आप ये देखो ना, जैसे एकदम सिंपल सी बात है कि मान लो किसी को बहुत एंजाइटी है तो उसको पक्का सी बात है डाउन करना है। अब डाउन करना है तो ऐसे केसेस में आपको पता है ब्राह्मी वटी बढ़िया काम करती है, तो सिर्फ ब्राह्मी दो। अब उसी में ज्योतिषमती वगैरह भी दोगे या वचा दोगे तो वचा तो हाइपर करती है ना। तो पेशेंट को देखना है कि पेशेंट किस हिसाब का है। एक डिप्रेस्ड वाले बंदे को अलग चीज देने की जरूरत है, एक हाइपर वाले बंदे को एक अलग चीज देने की जरूरत है ना। और जो मार्केट में कंपनियों ने अपने दुनिया भर के ड्रग्स निकाली हैं, उन्होंने क्या किया, सब कुछ मिला डाला। मतलब कि आप कुछ आगे वो ये कहेंगे जी हमारे पास तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने तो सब डाल दिया है, आप इस्तेमाल करके देखो। वो कहते हैं कि एक तुक्के की तरह सिस्टम वाला। तो इसीलिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं क्लासिकल मेडिसिन को क्यों प्रीफर करती हूँ, हालांकि मेरे वैसी मेडिसिन से भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, बट उनमें मैं खुद ही डाउट करती थी, पता नहीं क्या डाला है क्या नहीं डाला है, कि कितना और इतनी प्राइस में इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज किया है, इस तरह की क्वेरी भी आती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोशिश करना चाहिए जो अपनी शास्त्री है वो ज्यादा यूज करो, तो उससे अपना कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और कंपनियां भी शास्त्री चीजें बनाने की ज्यादा अच्छा कोशिश करेंगी, नहीं तो अलग अलग कॉम्बो बनाती रहती हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ शेयर करना हो, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो, जैसे मंदाकिनी मैम ने कहा बहुत सही कहा है, आजकल फोरम पर पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, लोग अपने प्लीज अपनी हिस्ट्री लाइए जो भी पेशेंट्स का, तो निकालने में अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है कई बार हेतु, नहीं तो पेशेंट सामने होता है ना, कई बार हम लोग खुद नहीं निकाल पाते, कोई दूसरा जब दस सवाल इधर उधर करता है तो ज्यादा हेतु समझ में आते हैं कि हाँ इस वजह से ये बीमारी इस पेशेंट को ही होगी। वर्षा कौशिक मैम कुछ बताना चाहते हैं मैम? वर्षा कौशिक मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ जी मैम, बोले प्लीज। हाँ प्रणाम मैम, प्रणाम सभी। प्रणाम मैम, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो क्या टॉपिक
चल रहा है समझ भी क्यों ऐसे चल रहा है, आप इन्फेक्शन है सॉरी आप वो शेयर करना चाहें तो। अच्छा हाँ नहीं अभी आपको जो मेरे बेटे को फीवर था, मेरे बेटे को फीवर है तो उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या दवाएं देनी है, अगर आपके नॉलेज में कुछ है तो हमें बता दीजिए। उसको बुखार आ रहा है, उसके घुटनों में जोड़ों में दर्द हो रहा है और आंखों से पानी आ रहा है और उसका हेतु है वो कल आकर के तुरंत स्कूल से दर्द तो अभी मैम मच्छर तो नहीं काटा है बच्चे को, गर्मी से आके उसने ठंडा पानी हाँ तुरंत आया स्कूल से और गर्मी तो कल ज्यादा थी नहा लिया आके, तो उसका हमेशा का ऐसा रहता ही है कि जब भी वो जैसे कि सुबह अगर नहा के जाएगा ना तो अभी उसको ऐसे हो जाता है बुखार सर्दी हो जाता है या फिर आके तुरंत नहा लेगा तो अभी हो जाता है, इसका मतलब हमेशा का है ऐसा, इसलिए हम लोग सुबह नहला के नहीं भेजते उसको और जब आ जाता है तो उसके आधे घंटे बाद ही हम लोग नहाते हैं उसको, कल मेरे से गलती हो गई मैं आलस कर रही कुछ बोली नहीं वो कर लिया। ठीक है और हमारे पास 5 मिनट शेष बचे हैं, आप अपने और प्रेजेंट करना चाहते हो तो करिए पूछिए। हेलो बच्चे के लिए कुमार का लिए दे सकते हो देते हैं मैम, आवाज कट रही है आपकी हाँ, तकदीर सिंह सर कुछ पूछना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं बताइए सर। जी मैम केस बताना था मैम। हाँ जी सर बताइए, हम तो बहुत देर से पूछ रहे हैं। कुछ नहीं मैम, वो बेबी हो गया था पेशेंट को, इनफर्टिलिटी का केस था पर कल फोन आया था कि बेबी हो गया उनके लड़का हुआ है। अच्छा सर, तो आपने क्या मतलब ट्रीट किया था, क्या था वो केस क्या था सर? मैम कुछ नहीं मैम, उसमें थोड़ा सा लेडीज को उससे ग्रैनी दृष्टि थी हल्की सी और पीरियड्स में थोड़ा सा इश्यू था और वो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया था, 1 महीने में ठीक हो गया था, लेकिन बाद में ना उनके क्या इशू आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमें 2 साल से ऐसा हो रहा है कि हमें सिम्टम्स आते हैं कि जैसे मेरी वाइफ को कि लगता है कि बेबी कंसीव हो गया है लेकिन नेगेटिव आती थी, तो फिर मैंने उनका घर विजिट किया था तो मैंने वास्तु से ठीक किया था मैम, बस उनका बेड अपनी जगह से लाकर दूसरी जगह पर किया था उनकी, फिर 2 दिन के बाद ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अच्छा आपने ट्रीटमेंट दिया, तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट चलाया था सर पेशेंट को? मैम पहले तो मैम ग्रैनी के लिए तो चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, रस पाचक, रक्त पाचक और पाचक थे तो उनके यही ट्रीटमेंट के साथ उनके पीरियड्स में भी काफी आराम आ गया था, फिर मैंने उनको चंद्रप्रभा वटी, वंगबसम, पुष्प धनवारस ये दिया था खाने के लिए। उनके पीरियड्स पहले इरेगुलर थे क्या? नहीं मैम रेगुलर था, तो वही था कि थोड़ा वाता दृष्टि थोड़ी पित्त दृष्टि ऐसे था। अच्छा, तो साथ में उनको गुलकंद कह दी थी। तो ये कितने महीने चलाया ट्रीटमेंट आपने सर? ये तो मैम 1.5-2 महीने चला था, मैंने आपको बताया ना कि बाद में वास्तु का इशू निकला था उनके घर पे। अच्छा अच्छा, ठीक किया था तो कुछ नहीं, बस मैम उनका बेड एक तरफ था तो मैंने उनको कहा था कि बेड अपना जहाँ से खिसका कर दूसरी दीवार पर लगा दीजिए, तो उससे ही उनका बाद में 2 दिन के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बताया आपने। उनके मुझे बहुत बढ़िया काम करती हैं कई बार, मतलब अगर हम सही चीजें कैच कर पाए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ राम नाम का जाप कराओ, जब कभी भी पेशेंट को वीकनेस फील हो रही हो, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, 5 मिनट राम नाम का जाप करके देखो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, मतलब तुरंत एनर्जी फील होती है, उसे मूड बहुत ऑफ रहे तो राधा नाम का जाप करना चाहिए। देखिए मैम वास्तु का काफी अच्छा रिजल्ट है, मैंने कम से कम 10 पेशेंट ठीक किए होंगे अपने पिछले 2 सालों में। वाह सर बहुत अच्छी बात, तब तो मैं आपसे वास्तु सीखूंगी। मैम मुझे तो खुद नहीं आता मैम, वो वहाँ पर जाता हूँ तो वो अपने आप ही माइंड में कुछ आ जाता है तो मैं वो पूछता हूँ तो वैसा ही होता है।
हाँ वो होता है, ये सब सारी चीजें एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है, जितने हमारे प्राचीन शास्त्र है ना वो सारे थोड़ा सा उन चीजों से इंट्यूशन बेस्ड है। मतलब कि आप कहीं जाएंगे, मान लीजिए वहां की एनर्जी अगर डिस्टर्ब है ना तो एक अलग से फीलिंग होती है। जैसे कई सारे जगह आप जाओगे तो आपका दिल करेगा वहीं बैठ जाओ, कई सारे जगह आप जाओगे तो होता है इतनी जल्दी उठ कर यहाँ से चले जाएं उतना बेहतर है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो और मान लो आप पॉजिटिव हो अंदर से और आपकी वहां की एनर्जी बहुत नेगेटिव है तो आपको मन करेगा आप उठ कर चले जाओ, लेकिन आपकी जहाँ जा रहे हो वहां की एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका मन करेगा यहाँ बैठोगे। इसलिए मंदिर या जितने गुरुद्वारे या जो भी धर्मस्थल होते हैं तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वहां की एनर्जी और ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और इसी वजह से बोलते हैं कि जितना भी प्रार्थनाएं होती है वो सामूहिक करनी चाहिए, तो सामूहिक में वो ऐड नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए प्रार्थना ये अच्छी चीज है, जब मतलब एक साथ की जाती है तो एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव लॉ आता है, तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर ये चीजें तो होती है सर, और पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थॉट बहुत ज्यादा सही हो ना, फिर एक बार वास्तु जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने 3-4 केस यही थे कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी फिर भी बेबी नहीं हो रहा था, सिर्फ वास्तु सही करने से ही वो ठीक हो गया। और हम बड़ा भी कुछ करना पड़ता, छोटे छोटे होते हैं। सिर्फ एक ही मेरा केस आया था, उनका वास्तु बहुत ज्यादा खराब था, तो मैंने उनको कहा था कि घर पे बच्चा नहीं कंसीव होगा बाहर करो, तो फिर वो 2-3 महीने के लिए कहीं पर गए थे काम, तो वहां पर बेबी कंसीव हो गया था। वाह सर, इसका मतलब बढ़िया नॉलेज है आपकी, तब इसको वो नहीं कहते हल्की नॉलेज इतना, क्योंकि एनर्जी समझ में आना तो चलो समझ में आता है, लेकिन इस लेवल का समझ में आना कि ये चीजें यहाँ नहीं हो पाएगी वो बढ़िया है, अच्छा नॉलेज है आपका। जैसे मेरी आज एक पेशेंट थी, मैंने अभी जो आ रहे थे तो उसका प्रॉब्लम था, तो मैंने ऐसे निकाला, मेरे को मूव किया, मैंने कहा लाओ मैं देखती हूँ इसके प्रश्न कुंडली, तो मैंने देखा मेरे का हॉस्पिटलाइजेशन दिख रहा है उसका अच्छा खासा, तो चलो कोई बात नहीं सजेस्ट करेंगे भाई हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो ठीक हो जाओगे। टाइम हो गया है, सेशन को बंद कर दिया जाए मंदाकिनी मैम। हाँ जी मैम बंद कीजिए। मैम ने ज्वाइन किया था, मैम चले गए क्या, आए तो थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को।